महत्वपूर्ण समाचार पर नजर करिए। केंद्रीय इलेक्शन कमीशन ने महत्वपूर्ण निर्णय कर्यो। गुजरात में सप्टेम्बर में योजनारी पेटा चूंटणी टळी गई छे। चूंटणी पंचे विधानसभा की पेटा चूंटणी ने मौकूफ राखी छे। तो गुजरात में सप्टेम्बर में योजनारी जे पेटा चूंटणी हती 8 विधानसभा की बैठकों पर तेने लईने हाल महत्वपूर्ण समाचार। आज मुद्दे वधु जानकारी आपी रह्या छे टीवी 9 ना संवाददाता रजनीश रंजन। रजनीश, जो 8 बाय इलेक्शन जो होने वाले थे 8 सीटों पर, उसको अभी के लिए फिलहाल टाल दिया है। क्या कुछ कहा है इलेक्शन कमीशन ने डिटेल में रजनीश? जो जिन सीटों पर उपचुनाव होने थे उसमें बिहार का एक लोकसभा का सीट वाल्मीकि नगर है और बाकी आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे, केरल और तमिलनाडु में भी होने थे और इसकी अधिसूचना जो है चुनाव आयोग ने पिछले महीने जारी की थी और 7 सितंबर को ये चुनाव होने थे। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अभी जो जानकारी दी गई है, जो नया नोटिफिकेशन, जो इसको डी नोटिफाई किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि अभी कोरोना से निपटने के लिए सरकारी प्रयास पूरी तरह से चल रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं है, अनुकूल नहीं है और इसलिए अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। यानी कि 7 सितंबर को इन राज्यों में जो चुनाव होने थे, विधानसभा और एक लोकसभा का उपचुनाव, उसको चुनाव आयोग ने टाल दिया है। लेकिन गुजरात की 8 विधानसभा की सीटें जो खाली हुई थी राज्यसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ली थी, उसको चुनाव आयोग ने नोटिफाई नहीं किया था और लेकिन ये माना जा रहा था कि सितंबर के महीने में ही वो चुनाव होंगे और बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को भी ऐसा लग रहा था कि इन राज्यों के साथ गुजरात में भी विधानसभा के उपचुनाव होंगे, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन माना यही जा रहा है कि अब चुनाव आयोग ने जो तर्क दिए हैं, जिस आर्गुमेंट के साथ उन्होंने चुनाव को डेफर किया है, कोरोना की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसा लगता नहीं है कि सितंबर में गुजरात में भी राज्यसभा के उपचुनाव होंगे। यानी कि सीधे सीधे सितंबर के महीने में राज्यसभा के उपचुनाव को चुनाव आयोग ने टाल दिया है अगले आदेश तक। जो अगला आदेश है उसके बारे में चुनाव आयोग ने लिखा है अपने एडवाइजरी में, अपने नोटिफिकेशन में, कि जैसी स्थिति सामान्य होगी और चुनाव कराने जैसी स्थिति बनेगी तभी चुनाव को अनाउंस किया जाएगा। तो अभी के लिए बड़ी खबर यही है कि जिन राज्यों का नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने जारी किया था उसको टाल दिया गया है और जिस राज्य का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था वहाँ भी अब चुनाव होने की संभावना न के बराबर। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए। तो आपने जणावी दीधुं कि इलेक्शन कमीशन ने अहीं कह्युं छे कि अत्यारे चूंटणी थई शके तेवी स्थिति नथी, कारण के एक तरफ कोरोनानुं संक्रमण खूब वधी रह्युं छे अने तेनी वच्चे आ जे पेटा चूंटणी छे ते नहीं थई शके। अत्यारे जे ताजो नोटिफिकेशन छे तेमां आ जानकारी आपवामां आवी छे। वधु जे जानकारी हशे कि क्यारे आ पेटा चूंटणीओ थई शके छे तेने लईने आगामी नोटिफिकेशन ऊपर सौ कोईनी नजर।